खबर अच्छी है मंतरलाल जी, फंटोष नगर के लोग हमें सचमुच भूत समझ बैठे, सब डर के यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। देखना, कुछ ही दिनों में ये शहर खाली हो जाएगा और फिर आप जहाँ चाहे वहाँ मॉल और बिल्डिंग्स खड़े कर देना। चाचू, बंदूकनी जी, हमें इन्हें रोकना होगा। हम इन्हें ऐसे कैसे अपने घर और फंटूश नगर छोड़कर जाने दे सकते हैं? अरे रे, रुकिए रुकिए, आप ही शहर छोड़कर मत जाइए, क्योंकि भूत भूत कुछ नहीं होता। आप हमें कुछ समय दीजिए और फिर देखिए कि बंदूकनी जी और हम सब इस नकली भूत को कैसे पकड़ते हैं। ये कोई भूत भूत नहीं, कोई आदमी अपने पैरों पर लकड़ी बांध कर चल रहा है और लोगों को डरा रहा है। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। ओए टंका टोलकी, ये तुम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फंटूश नगर की पोली पाली जनता को डराने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लोग तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देंगे। जिसके नसीब में जितना है उसको उतना ही मिलेगा। हाथ ऊपर कर लो दोस्तों, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। अरे मेरी गन कहाँ गई? गन नहीं है, ओए अब ये हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे बावली पूछ, भैंस की पूछ, गन में मेरी लिपस्टिक है। अरे चिच्चे, किधर गए वो लोग? पानी की टंकी में छुपा दे और फिर सबको बोल दे कि मेरे पैसे चोरी हो गए। वाह बाबा वाह, कमाल का एडवाइस है, मैं भी आया। अरे मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। देखो भाइयों, चोर मेरी तिजोरी खाली कर गया। हेलो भतीजे, भल्ला जी कह रहे हैं कि उनके यहाँ चोरी हो गई और उनका सारा पैसा लूट गया। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हाय रे हाय। भल्ला साहब, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, आपकी दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। अरे देखो भाइयों देखो, ये तो मुझ पे ही शक कर रहा है, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। चोरी हो गए? अगर आप लोगों को भरोसा नहीं तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। क्यों भल्ला अंकल? क्यों नहीं क्यों नहीं। वो कैसे? खोजी अंकल ने ये लाइट डिटेक्टर मशीन बनाई है जिसमें झूठ फौरन पकड़ा जाता है। अभी दिखाता हूँ इसका डेमो। ओए पतीजे, ये मशीन तू कब लाया? और चाचू, मेरे पास कोई झूठ पकड़ने वाली मशीन नहीं है, ये तो बस एक नकली सेटअप है। मिमिक्री भाई, आपसे मैं जो भी सवाल पूछूं, आपको उसका झूठ जवाब देना है। देखना, ये बल्ब अपने आप जल उठेगा। तो मिमिक्री भाई, क्या आप बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं? हाँ, इस साल मैंने 3 सुपरहिट फिल्में दी हैं। देखा, आप झूठ बोलोगे तो ये बल्ब जल उठेगा। तो अब ये मशीन भल्ला अंकल को लगाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे अरे, मेरा मोबाइल गिर गया, कहाँ गया? अरे बलवान, जरा मोबाइल ढूंढने में मेरी हेल्प तो करो। ओ मैंने कहा पल्ला जी, फिकर नॉट, हो जाएगा बलवंत।
अब तू ही बचा ले मुझे इस अग्नि परीक्षा से। अरे ये भतीजे की झूठ पकड़ने वाली मशीन मेरा झूठ पकड़ लेगी कि पैसे चोरी हो गए। ओजी पल्लाजीस का मत बल्के। धीमे बोल वरना आज तो भल्ला के कपड़े फटने हैं। अरे बलवंत ऐसा कुछ कर कि इन लोगों के सामने मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। मैं कल सबके पैसे दे दूंगा। ओके जी फिर देखो अभी बलवंत का कमाल। ओए जी बंदूकड़ी जी वो क्या बात कर रही है आप। ओ थैंक यू जी थैंक यू। ओ लो जी लोको सुनो ओ पल्ला जी के पैसे मिल गए और कल वो मेरे पैर क्यों पकड़ रहा सर। ओ बंदूकनी जी जो गावर आपके हाथ से छूट गया तो मैं पकड़ लूंगा। ये। बावड़ी बूझ तेरे वजन से जोगावर से वैसे भी मेरे हाथ छूटे। आ गए मुंह काला करके। आओ क्राइम का पावर क्राइम मास्टर जोगावर नहीं छोड़ूंगा। आओ क्राइम के पावर की आंखों का चला गया पावर। युगी लुंगी हटाओ सामने दे जुगावर वरना खानी पड़ेगी ठोकर। और मैंने कहा बंदूकनी जी इससे पहले आपने कभी गधे की सवारी की है। नहीं क्यों? ओ ये रुक ही नहीं रहा। हा? कैसे पता चलेगा कि इसका ब्रेक कहाँ है? चाचू आप ठीक तो हैं? ओए भतीजे ओ तेरे होते मुझे कुछ हो सकता है। लेकिन बलवंत ये मछली के ऐसे उड़ने से बहुत कुछ हो सकता है। देखो तो इसकी हिम्मत। आज तुम हवा में उड़ रही हो कल हमसे पानी में तैरने के लिए कहोगी। मछली जल की रानी तुम शायद रास्ता भटक गई हो। ये हमारा इलाका है। जाओ पानी में जाओ। हवा हो जाऊंगी। अरे कहाँ चली मेरी प्यारी बिल्ली? मदद कर। नहीं मैडम जी चाचा ने फिर से मुझ पर अपने सींग से हमला कर दिया तो एक काम कर पीछे से चाचे को पकड़ फिर तो वो सींग नहीं मारेंगे। बोलने में जितना आसान है संभालने में उतना ही मुश्किल है। छी, तू, घास? ओ ये मुझे घास कौन खिला रहा है? और मैं इस तबेले में कैसे पहुंच गया? ओए तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रही हो? लगता है 10 मिनट हो गए हैं और चाचू ठीक हो गए। चाचू भागो। ओए 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 क्या हो गया? वो क्यों मेरे पीछे पड़ गई? Oh!
ये घोड़े की तरह क्यों भाग रहे हो? अरे रोको उस घोड़े को, अब मेरा मतलब है चाचा को। बहादुर जीप निकाल। ओए जीप नहीं, जीप जीप निकाल। बंदूकनी जी, हमें चाचू की इस प्रॉब्लम को जड़ से निकालना होगा। मैं खोजी अंकल से बात करता हूँ। हेलो खोजी अंकल, हमें उस गुलाबी रस का कोई एंटीडोट बनाना होगा। जब से तुम लोग यहाँ से गए हो मैं उसी काम पर लगा हूँ, पर ये इतना आसान नहीं। एंटीडोट बनाने के लिए मुझे पहले उसी गुलाबी रस की जरूरत है। तो फिर से वो गुलाबी रस क्यों नहीं बना लेते? जब मैंने उस रस को जमीन के नीचे 5 साल तक रखा तब जाकर गुलाबी रस तैयार हुआ। नया रस बनाने में और 5 साल लग जाएंगे, इसलिए हमें उस पुराने रस की बोतल को ही ढूंढना।